खस्ता मटरी बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी सूजी, एक कटोरी मैदा, एक कटोरी गेहूं का आटा और एक कटोरी घी, घी की जगह आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, एक टेबल स्पून अजवाइन और स्वादानुसार नमक। एक परात लेंगे और उसमें हम डालेंगे सूजी, मैदा और आटा। अब इसमें बीच में हम होल करके इसके अंदर डाल देंगे हम तेल, अजवाइन और नमक, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटा बहुत ज़्यादा और सख्त लगाना, ज़्यादा टाइट भी ना हो, जितना हम रोटी या पूरी के लिए गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ये टाइट होना चाहिए। ये देखिए हमारा आटा लग के रेडी हो चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए हम रख देंगे। सेट होने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और लोइयां बनाने के बाद हमें हथेली पे रख कर ही उसको प्रेस करना है। तो इस तरह से हम अपनी मठरी बनाकर रेडी कर रहेंगे। अगर आप इसको पूरा एक बड़े लोहे को बेलकर बनाते हैं तो उससे वो मठरी की एक जो टेस्ट होता है, फिनिशिंग, वो नहीं आती है। ये देखिए मठरी रेडी होने के बाद में मैंने फोक से इसके अंदर मैं छेद कर रही हूँ, जिससे हमारी मठरी जो है फूलेगी नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी और क्रिस्पी बनेगी, एकदम खस्ता मठरी बनेगी। तो ये देखिए फोक से मैंने इसके अंदर छेद कर दिए दोनों साइड में। अब मीडियम आंच पे हमें इसको, जब हल्का सा तेल गरम हो जाए तभी हमें मठरियाँ इसमें डालनी है, और ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं तलना है, क्योंकि तेज़ आंच पर तलेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन, और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हमें मीडियम आंच पे ही और मीडियम गरम तेल के अंदर ही इसको डाल के तलना है। इसको धीरे धीरे धीमे आंच पे जितना हम तलेंगे उतना ही बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन भी होगी और अंदर से भी बहुत ही अच्छे से ये सिक जाएगी और बहुत ही खस्ता मठरी बनकर तैयार होगी। बीच बीच में इसे थोड़ा सा, जब आपको लगे कि ये नीचे से ये थोड़ा सा सिक गई है, उसके बाद में इसे हम पलटते रहेंगे, और बीच बीच में ऐसे ही हमें इसे पलटना है। ये देखिए मेरी मठरी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसे अलग से प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से ही सारे मठरियों को हमें तलना है, और इसमें जब हम आप तेल में से, इसमें कढ़ाई में से निकालेंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको तेल लगेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में इसमें ज़्यादा ऑयल आपको दिखाई नहीं देगा। ये मठरी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ही जल्दी बन के भी रेडी हो जाती है। आप इस मठरी को ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ में।